कि मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो। क्योंकि इसलिए मांगती हूं पति के प्राण, मैं पति की पुजारिन हूं, मैं पति की पुजारिन हूं। ना तो मैंने बेरी को पूजा है, न केला को पूजा है, न कुआं को पूजा है। यदि पूजा है तो अपने पति परमेश्वर के चरणों को पूजा है। क्योंकि पति तन मन धन पति संगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। इसलिए यमराज सुनो, मैं पति की पुजारिन हूँ, पति प्राण मुझे दे। क्योंकि सुने यमराज, दुनिया की रीति क्या है। यमराज खड़े हैं भैंसे पर सवार, सावित्री आगे निवेदन कर रही है क्या। सिंदूर भरा जिनके, सिंदूर भरा जिनके, अरे कहते हैं उन्हें सधवा। सिंदूर भरा जिनके, अरे कहते हैं उन्हें सधवा। सिंदूर बिना नारी, सिंदूर बिना नारी, अरे कहे लाती है विधवा। मैं आपसे मांगती क्या हूं महाराज, ध्यान दें सुनो। इस सिंदूर सुहागिन की, सिंदूर सुहागिन की, बस पहचान मुझे दे। दूसरा भाव आई यमराज, और इन लाइनों पे हमारे भैया लोग, हमारे भक्त या जो भी चैनल को सुन रहे हैं, विशेष ध्यान देंगे। कहती सावित्री क्या, सजना बिन सजनी का, सजना 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 बिन सजनी का, और ये सजना मिट जाता है। कि सजना बिन सजनी का, और ये सजना मिट जाता है। क्योंकि सजना ही तो सजनी का, अरे सजना ही तो सजनी का, अरे सौभाग्य विधाता है। मांगती क्या हूं यमराज, कुल छोटी सी बात कौन, अरे सजनी को, सजनी को सजने का, सजनी को सजने का अधिकार मुझे दे। यमराज ने प्रार्थना तो सुनी, लेकिन यमराज ने कहा, बेटी हमारी बात पे ध्यान दो, ये प्राणों का लेना देना कोई परचून की दुकान नहीं है। आज प्राण ले लिए जाए फिर वापस कर दिए जाए,
इम्पॉसिबल असंभव संभव ही नहीं है, अपितु मैं तुम्हारे निवेदन को स्वीकार करते हुए इतना कर सकता हूँ, विनम्र भाव देकर इतना कर सकता हूँ। सुने क्या यमराज बोले, सुनो सावित्री, बारी के बदले में पर बारी के बदले में पर और वरदान तुम्हें दूंगा। भक्तों बर के बदले में बर बर दान तुम्हें दूंगा। यमराज की बुद्धि चकरा रही है, सती के आगे है, यमराज का सिस्टम फेल होने लगा है, क्योंकि शब्दों का भाव देखिएगा। बर के बदले में बर और वरदान तुम्हें दूंगा। वरदान वरदान बर माने दूल्हा दान भी हो सकता है, क्योंकि वरदान की बात यमराज कर रहे हैं। और वरदान तुम्हें दूंगा लेकिन पति प्राण नहीं दूंगा। सावित्री ने कहा कोई बात नहीं यमराज, आप ये त्रिवाचक करें कि पति को प्राणों को छोड़कर वरदान तो दे सकते हैं, तो मांगती हूं। यमराज ने कहा मांगो। पहला वरदान देखिए सतियों की कहानी, क्योंकि हमारा देश भारत सतियों से भरपूर रहा है। ऐसी वही सतियां हमारे भारत में ही हुई हैं जिनकी ही सूची अगर खोली जाए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जैसे कि तेरे घर में अनुसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी और सती द्रौपदी तारा दमयंती पति व्रता लासानी थी, कि रथ में भुजा लगा कर लाई कहके ही छत्राणी थी और जखम चूस मर गई पति का कलावती वो रानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो भैया झांसी वाली रानी थी। इसलिए कहती सावित्री मेरे सास ससुर अंधे अरे पहले उन्हें नैना दो। पहला वरदान मांगा है उस देवी ने अपने लिए नहीं सासरु के लिए, क्योंकि नारी धर्म क्या है सब लोग जानते हैं। है सास ससुर अंधे और पहले उन्हें नैना दो। और दूसरा वरदान यमराज ने कहा ओमस्तु तथास्तु ऐसा ही होगा का दूसरा वरदान का सुनो। जो राज गया मेरा, ये भजन के माध्यम से प्रस्तुति आपके बीच में है, वैसे लवली स्टूडियो के माध्यम से आज के लगभग 7-8 साल पहले सती सावित्री का पूरा चरित्र कैसे निकल चुकी है, कुछ अंश आपको भजन के माध्यम दे रहा हूं। जो राज गया मेरा अरे वापस सुख चैना दो। यमराज ने कहा तथास्तु ब्रह्म रूही देवी ऐसा ही होगा का तीसरा वरदान मांगू। हाँ मांगो देवी मांगो, मुझको भी जल्दी है, टाइम हो रहा है। मांगती सावित्री वरदान तीसरा क्या, सौ पुत्रों की मां बनू अरे वरदान मुझे दे दो। यमराज ने कहा तथास्तु ब्रह्म रूही यो मस्तु, तीनों वरदान तेरे कंप्लीट हैं, सत्य होंगे और कुछ मैं चलता हूं। जैसे यमराज के भैंसे ने कदम बढ़ाया आगे को, सावित्री ने कहा महाराज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कहा क्या, कहा कितनी भांग खाए क्या आयो महाराज। कहा क्यों, अरे मैंने कहा तेरे वरदान तीनों सत्य हैं, मैं यमराज हूँ, बल्कि मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। कहा महाराज वही तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप धर्मराज भी हैं। यमराज ने कहा पूछो, पूछना क्या है। कहा सुनो महाराज, कहा ठीक है मेरे सास ससुर के नेत्र हो जाएंगे, खुशहाल हो जाऊंगी। दूसरा वरदान आपने दिया जो मेरा राज वापस गया मिल जाएगा, खुशहाल हो जाऊंगी, लेकिन बिन पति के जो होंगे ये पुत्र। यमराज
कि बिन पति के जो होंगे ये पुत्र, अरे कुल में कलंक लगी जाएगा। ओ बिन पति के जो होंगे ये पुत्र, अरे कुल में कलंक लग जाएगा। और माता तो मैं कह लाऊंगी यमराज, अरे मैया तो मैं कह लाऊंगी, पर पिता कौन कहे लाएगा। जैसे इन वचनों को यमराज ने सुना, ये तो धोखा हुआ, यमराज तो अपने आपा को खो ही बैठे। भैंसा कहा है, तलिया कहा, दिखावो हम पहले को ठंडाई जाए, क्योंकि यमराज चक्कर में फंसे हैं। भैंसा उचके तलिया ढूंढे, आखिर हमारो का ही यमराज दशा जाए, हमारा क्या होगा भगवान। आज सावित्री ने कहा, यमराज या तो अपने को झूठा कहो, ये वरदान झूठे कहो, और या तो इस संशय को मिटाओ। यमराज ने कहा, बेटी सुनो, मैं जानता था कि भारत में सतियां हैं, क्योंकि तीन सजावत देश को, सती संत अरुसूर तीन लजावत देश को, कि कुलटा कपटी कूर। आज मुझे लग गया वास्तविक भारत में सतियां, महान सतियां हैं देवी। और कहना क्या है कि तुम जीती और मैं हार गया, अपने पति के प्राणों को वापस लो देवी, और वही बटब्रज के नीचे चलो, जहां तुम्हारा पति का पार्थिव शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है। मैं चलता हूं, अब हमारा क्या होगा वहां, अब हम क्या जाने, लेकिन आपके वचनों के अनुसार मैं चलता हूं, पति के प्राणों को आपको देता हूं। कि तुम जीती और मैं हार गया। यमराज कहां को गए, जहां पर पार्थिव शरीर सत्यवान का पड़ा हुआ है। आज सावित्री ने कहा, महाराज यदि आप वरदान को सत्य करना चाहते हैं तो प्राणों को छीनने की सामर्थ्य रखती हूं, नहीं तो प्राण को वापस कर दो। यमराज ने कहा, बेटी प्राण को वापस कर रहा हूं, और भारत की सतियों से यमराज सर झुका के जा रहा है। बोल सती महारानी की जय हो। आज जैसे ही प्राणदान दिया, देखा सत्यवान उठ के खड़े हो गए, कहा, प्रिय तुमने जगाया नहीं मुझे। कहा, क्यों नाथ। कहा, अब तक पांच गट्ठर लकड़ी काट डालता, एक गट्ठर टूटी पड़ी, लेकिन पांच गट्ठर काटता, कहा तुम्हारा समझे नहीं कि यहां क्या हो गया। कहा, क्या हुआ। कहा, चलो घर में बताऊंगी। क्या बताऊंगी घर में, देखो क्या बताया, एक कट पीस दो लाइन की समापन, कि चलो चली सैया, हा उठो चलो कहां, कि छन 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 पायल बोले पुनः, औ कर में खन के कंगन, ए और चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चली। सासु ससुर वाके नैना दिखाइबे। सत्यवान ने कहा, तू पागल है गई है क्या। अरे वो तो अंधे हैं। कहा, नहीं, नक्शा बदल चुका है, भारत की सतियों ने यमराज से तुम्हें छीना है। सासु ससुर वाके नैना दिखाइबे, वापस ये राज मिला तो का बताइबे,
वापस राजपाट तुम का दिलई बै। अरे पूरा हुआ सपना, पूरा हुआ सपना, अरे पूरा हुआ सपना। ए चलो चली अंगना, चलो चली संजना, चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चली। अरे चुन 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 पायल बोले, रुन झुन रुन झुन पायल बोले, चुन 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 पायल बोले। अरे कर में खन के कंगना, चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चल चली। चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली अंगना, चलो चली सजना, चलो चली सजना, चलो चली सजना। प्रेम से गुरुदेव भगवान की। आरजी तूफानी एन पार्टी की ओर से समस्त किसान भाइयों की, वो समस्त अपने भक्तों को, समस्त भाइयों को, सुनने वालों को बार बार जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे। मोबाइल नंबर 99-350-77-822। किसी भी कार्यक्रम, भव्य जागरण एवं धार्मिक कार्यक्रम के लिए संपर्क कर सकते हैं और आप सेवा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्तुति आपके बीच में लवली लवली स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से दी गई है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।